टर्की में इस समय दर्द इतना कि हर ओर छलक रहा है। हम लोग इस समय उस्मानिया में हैं और उस्मानिया में भूकंप का प्रकोप इतना ज़बरदस्त था कि न केवल यहाँ बल्कि आसपास के इलाकों में बहुत से घर तबाह हो गए। और इस समय जैसा आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि हर ओर ताबूत ही ताबूत है। ये उस्मानिया का बेरियल ग्राउंड है, यहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। लेकिन आप आसपास अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है कि न केवल उस्मानिया बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों को यहीं लाया जा रहा है दफनाने के लिए। और यहाँ पर ज़मीन कुछ इलाकों में कम पड़ रही है। यहाँ तो है, यहाँ के प्रशासन ने हमें बताया उनके पास ज़मीन है, लेकिन कुछ इलाकों में कम पड़ रही है और इसीलिए बाहर से लोगों को भी यहीं लाया जा रहा है दफनाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग यहाँ दफनाना चाहते हैं। कई लोग घर तबाह हो गए, परिवार के कुछ सदस्य लापता हैं अभी भी और कुछ इस मारे गए। ऐसी परिस्थिति में और इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से लोग सामने आ रहे हैं उनकी मदद करने, ताकि जो अंतिम संस्कार है, जो दफनाने की प्रक्रिया है, वो पूरी रीति रिवाज के साथ विधिवत तरीके से हो सके। और मौलवी अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन गम इतना कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इससे उभरेंगे तो कैसे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, उस्मानिया, टर्की, आज तक। दिन रात चाहे जैसे भी हो हालात, वो चलता रहा। तबाही का मंजर कैमरे में कैद करता रहा। मुश्किल है सफर, जाने जाएगा कहां। खबर जहां, आज तक वहां।